Hello dear students, welcome in my YouTube channel. My today's topic of discussion is pedigree analysis. So I think you all know about basics of pedigree. So I'm going to tell you a basic proper definition of pedigree. So pedigree, you can write here, pedigree is a family tree. Basically, in one line you can write, it is a family tree. Means when the information of family is collected and it will represent it in the form of a tree. Okay, so pedigree analysis ke liye hum log aisa keh sakte hain, it is a system of analysis by following the movement and distribution of certain genetic traits. Aap is point ko likh sakte hain yahan pe, pedigree analysis ki definition ko. कि जो पेडिग्री एनालिसिस है, पेडिग्री एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ एनालिसिस, इज अ सिस्टम ऑफ एनालिसिस बाय फॉलोइंग द मूवमेंट, बाय फॉलोइंग द मूवमेंट and distribution of certain genetic traits, and distribution of certain genetic traits तो पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हम लोग कह सकते हैं, सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए पेडिग्री चार्ट. यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं. सपोज दिस इज मेल एंड रेड कलर से मैंने एक सर्किल लिया हुआ है एंड दिस इज फीमेल. ओके, और हम लोग इसको एक लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं और इस लाइन का ज्वाइन करने का मतलब है देर इज अ मीटिंग या मैरिज आप कह सकते हैं, इस मेल और फीमेल की मैरिज हुई है. ओके, और अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में ये बोलेंगे कि जब इनकी मैरिज हुई तो इनकी कुछ जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में. ये सपोज हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन को शो करा हुआ है. सेकेंड जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड जनरेशन में आप कैसे करेंगे, यहां से लाइन को ऐसा कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट को हम लोग नीचे लेकर आए और फिर यहां से ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन आए और इस जनरेशन में हो सकता है कुछ मेल्स हो और कुछ फीमेल्स हो. तो ये जो स्क्वायर है मेल है, ये फीमेल, मेल, फीमेल. ठीक है, तो हम लोग किसी भी पेडिग्री चार्ट को हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पर्सन है, सपोज मैं यहाँ पे मदर को डिजीज कर दूं इस तरीके से, ये भी फीमेल डिजीज, ये भी फीमेल डिजीज. तो इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि पहली बात तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि पेडिग्री में जो सिंबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. तो पहली बात तो एक सर्किल होता है जिसको कि हम लोग फीमेल के लिए यूज करते हैं, एक स्क्वायर होता है जो कि मेल के लिए यूज किया जाता है, इसको हम लोग फीमेल के लिए यूज करते हैं. और सपोज ये स्क्वायर और सर्किल अगर कलर फिल्ड है या ब्लैक कलर का है या इसमें डैश डैश कर दिया गया, इसका मतलब ये डिजीज्ड पर्सन है, उस पर्टिकुलर ट्रेट उस डिजीज में. यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देती हूँ और सपोज मैंने ऐसे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया, या आप चाहें तो इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये डिजीज्ड फीमेल होगी, डिजीज्ड फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, डिजीज्ड फीमेल. इसी तरह हम लोग मेल का भी बना सकते हैं. और जब भी हम लोग इनके बीच में एक लाइन से इनको ज्वाइन कर देते हैं, इसका मतलब ये दिस लाइन शोज मेटिंग. मेटिंग का मतलब इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है, दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस. और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो हो सकता है डिजीज्ड है, हो सकता है नॉर्मल है. कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स को जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसे डिसाइड करेगी उससे क्या होगा, या फिर अगर फीमेल हमेशा डिजीज है मींस मदर, तो बच्चों पे क्या असर आएगा. तो ये सारी कहानी हम लोग 10th लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियोस
फॉर क्लास टेंथ लेवल, तो इतना डिटेल में कभी पेडिग्री नहीं आता है क्लास टेंथ में, फिर भी मैं बेसिक सिर्फ बताना चाहती हूँ कि पेडिग्री जो है, जो पेडिग्री की जो सिग्निफिकेंस है, आप यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंस है पेडिग्री की, पहली बात तो ये है कि यहाँ से हम लोग पॉसिबल जीनोटाइप्स का पता लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि इट हेल्प टू फिल अप द पॉसिबल जीनोटाइप्स। सपोज मैंने आपसे कह दिया कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है इसका मतलब जो डिजीज है उनको स्मॉल ए स्मॉल ए से, मान लो सपोज मैंने इसको ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज के लिए ये पेडिग्री बनाई, ठीक। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज का मतलब जितने भी डिजीज है वो रेसेसिव कंडीशन में होंगे इस तरीके से इनका जीनोटाइप, और जो नॉर्मल है वो या तो ये होंगे या तो ये होंगे, और अगर ये नॉर्मल यहाँ पर है इसका मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाला होगा क्योंकि एक फीमेल साइड से आ रहा होगा, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी क्योंकि ये अगर कैपिटल ए स्मॉल ए को ले लेंगे यहाँ पे, अगर ये कंसीडर कर लें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए को अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पे मतलब हेट्रो की कंडीशन बन सकती है या फिर ये होमो की कंडीशन है, तो जब भी डिजीज होगा वो हम लोग स्मॉल ए की ही बात को कर रहे होंगे क्योंकि ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये देख रहे हैं कि ये पॉसिबल जीनोटाइप्स को बताएगा, और ये ट्रेट हमारा डोमिनेंट है कि रेसेसिव है इससे हम लोग पता कर सकते हैं, और पॉसिबल जेनेटिक मेकअप को भी बताता है, पॉसिबल जेनेटिक मेकअप इससे हम लोग पता कर सकते हैं, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन जेनेटिक काउंसलिंग। कैसे जेनेटिक काउंसलिंग में मदद करेगा कि हमें कोई जेनेटिक पर्टिकुलर एक डिफेक्टिव है मान लीजिए कोई भी कपल, तो उनको हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं उस पेरेंट्स की, उसके थ्रू जेनेटिक काउंसलिंग या जेनेटिक स्क्रीनिंग, काउंसलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिक स्क्रीनिंग, तो जेनेटिक जब काउंसलिंग देंगे तो उन कपल्स की, तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है जेनेटिक डिफेक्ट्स की, और इससे हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज वो रेसेसिव जीन से हो रही है या डोमिनेंट जीन से हो रही है, तो ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन क्लास टेंथ लेवल में पेडिग्री से बेसिकली वन मार्क्स में ही आया है अभी तक कि डिफाइन द टर्म्स में पेडिग्री आ सकती है। तो फ्रेंड्स आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे फॉर क्लास टेंथ लेवल, अगर आप ट्वेल्थ लेवल पे देखेंगे तो ट्वेल्थ लेवल पे पेडिग्री को काफी अच्छा खासा लेवल पे पढ़ाना पड़ता है, तो मैं ट्वेल्थ लेवल की पेडिग्री के लिए एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। ऑल्दो मैं एक सीएसआईआर लेवल, जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है लाइफ साइंसेस का, उसके लिए मैंने एक पेडिग्री का वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, आप हमारे सीएसआईआर प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। दिस वीडियो सीरीज आई एम बेसिकली मेकिंग फॉर क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा के कोई मतलब नहीं, जस्ट हमारा एम होता है कि हम एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा परसेंटेज स्कोर करें। सो वंस अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड sharing my this videos, share with your friends, and if you like the video please hit the like button. Thank you friends, I hope we will meet soon. Thank you, take care.